अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, पी स्क्वायर माइनस टू पी कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू हमको पता है, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बाई टू। तो यहाँ से टू टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स कितना आ जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। तो ये आपका हो गया ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, पी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। पी स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स पी, फिर माइनस का ई की पावर माइनस एक्स पी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो आप क्या करोगे, आपने इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया, अब यहाँ पे पी कॉमन लो तो ये पी माइनस ई की पावर एक्स होगा। अब एक काम करो, इसमें माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लो। जब आप इसमें माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, प्लस का पी और माइनस का। देखो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स नहीं है, तो इस वन को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब e की पावर माइनस एक्स आपने कॉमन लिया तो यहाँ वन अपॉन e की पावर माइनस एक्स बचेगा इज इक्वल टू जीरो। तो देखो p ब्रैकेट में p माइनस e की पावर एक्स, फिर माइनस e की पावर माइनस एक्स p माइनस, अब वन अपॉन e की पावर माइनस एक्स है तो इसको सॉल्व करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, e की पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये p माइनस ई की पावर x कॉमन आएगा और बचेगा p माइनस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब बहुत आसान है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो क्या करो, देखो एक तो आपका बनेगा p इज इक्वल टू ई की पावर x, दूसरा बनेगा p इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। यहां पे dy ओवर dx इज इक्वल टू ई की पावर x, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस c। यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो y माइनस ई की पावर x माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, y प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y माइनस ई की पावर x माइनस सी इन टू में y प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, सॉरी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आपका इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। आई होप गाइस ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, पी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस टू वाई अपॉन एक्स इंटू पी प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करने वाले हैं, तो देखिए इसमें सिर्फ स्टार्टिंग में ही सोच रहे हैं, स्टार्टिंग में ही सोचने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये आपका पी स्क्वायर है, इसको आप पहले एज इट इज रखो। अब यहां पे एक काम करते हैं, जो 2y अपॉन x है इसको ब्रेक कर लो, तो माइनस का y अपॉन x और यहां भी कितना आएगा माइनस का y अपॉन x इंटू पी प्लस एक्स वाई और माइनस y को एक साथ ले लो। यहां पे इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, बस वही सोचने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद अगर ऐसे दो तीन क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर बहुत इजीली आप इस टाइप की चीजें कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं सोच पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, इनको एक साथ रख देते हैं। अब देखो पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, इसको अलग कर दो विथ पी, और वाई माइनस वाई अपॉन एक्स इसको भी अलग कर दो विथ पी प्लस प्लस। अगर हम यहां पे वाई कॉमन ले लें तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स होगा, राइट right? और यहां पे अगर y अपॉन x कॉमन लेते हैं विद नेगेटिव साइन, तो यहां पे नेगेटिव का y, यहां पे पॉजिटिव का y बचेगा, इसको पहले लिख लो, माइनस यहां पे नेगेटिव का कितना बचेगा y अपॉन x इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक जगह हमने गलती कर दी है, यहां पे आप x कॉमन लीजिए y नहीं, और ये गलत भी लिख दिया था मैंने। तो जब आप यहां पे y कॉमन लेंगे तो ये आएगा, नहीं सॉरी x कॉमन लेंगे तो ये आएगा y माइनस वाई अपॉन एक्स। अब देखिए अब यहां पे इसमें तो आप p कॉमन लीजिए, p प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, और यहां पे y माइनस वाई अपॉन एक्स y माइनस वाई अपॉन एक्स और y माइनस वाई अपॉन एक्स, तो यहां पे आप कॉमन ले लीजिए y माइनस वाई अपॉन एक्स, तो ये आएगा p प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए p प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, पी प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इसको कॉमन लेंगे
तो यहां p बचेगा प्लस y माइनस वाई अपॉन एक्स, क्योंकि ये पोर्शन तो आपका कॉमन आ गया, इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको अलग करते हैं, p प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो और p प्लस वाई माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए अब यहां पे वेरिएबल को आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो एक काम कीजिए इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, जहां पे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। कैसे करेंगे, माइनस वाई अपॉन एक्स को यहीं रखिए और ये माइनस ये एक्स को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपका किस फॉर्म का कन्वर्ट हो जाएगा, देखो किस फॉर्म में इसको रखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये आपका हो जाएगा पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे p और q या तो कांस्टेंट होते हैं या फिर होते हैं फंक्शन ऑफ x। तो देखिए p की वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स और q की वैल्यू माइनस एक्स है, तो ये कितना आ जाएगा ये आपका हो जाएगा, पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर पी डी एक्स, तो कितना आएगा e की पावर माइनस लॉग x और ये हो जाएगा e की पावर में लॉग x की पावर माइनस वन, तो ये कितना आएगा वन अपॉन एक्स, राइट। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। तो देखो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन एक्स है इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू माइनस एक्स है, तो वन अपॉन एक्स इंटू माइनस कितना आएगा माइनस का वन, इसका इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये आपका कितना बना y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का x प्लस सी, तो y अपॉन x प्लस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, एक फैक्टर तो ये बना। इसको भी एक स्टेप में और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब दूसरे वाले इक्वेशन की बात करते हैं, p प्लस y माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये dy वाई ओवर डी एक्स, ये y बाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और यहां पे हम शायद वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये कितना आएगा डी वाई ओवर वाई और यहां पे 1 बाय एक्स माइनस वन डी एक्स, तो ये लॉग वाई इंटीग्रेट कर देंगे इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, यानी क्या बना आपका ये y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स इंटू में लॉग y माइनस लॉग x माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये आपका क्या हाँ लॉग y माइनस लॉग x, फिर अलग से क्या है आपका प्लस का x, प्लस का एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपकी ये आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा, राइट। तो देखो ये आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा इस इक्वेशन का, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, बट हाँ दो तीन टाइप के अगर ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइस, आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन बट नॉट फर्स्ट डिग्री उस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उसका आइडिया लग चुका होगा, राइट। ये तो अभी हमने किसमें बनाया, एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ, ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, कि जैसे आप यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल रहे हो और सॉल्यूशन करते करते जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो आपके फैक्टर किस फॉर्म में निकले, होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में निकले, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। और कहीं पे अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, वहां पे आप क्वेश्चन को शेयर कर सकते हो। तो देखो आपको किस किस फॉर्म में मिला है, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में मिला जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, राइट, और वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में तो आप देख ही चुके हो, और आपको ये होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में भी मिल सकता है ये सॉल्व करने को, जब आप फैक्टर निकालते हो उसके बाद जीरो करके जो यहाँ पे सॉल्यूशन करोगे वो आपको होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में मिल सकता है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो गाइज आज के टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक की बात करेंगे, तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो बाय एवरीवन।